आप सबसे माफी मांगूंगा, मेरी आवाज क्योंकि बहुत ट्रैवल किया, बहुत जगह गए, तो आवाज का थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी, पर आप लोग इस चीज के लिए मुझे माफ करेगा, इसमें मेरा बस नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सब सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और आप लोग सबने इतना मेहनत की है इस पार्टी को सींचने के लिए, कार्यकर्ताओं की आवाज बनने के लिए और कहीं ना कहीं पार्टी का झंडा उठा के आगे रखने के लिए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज हम मुख्य रूप से जो रोजगार संघर्ष यात्रा है उसके ऊपर बात करने के लिए और किस एजेंडा को लेके, किस चीज को लेके रोजगार संघर्ष यात्रा चली है उसके ऊपर बात करने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये सोच रखी कि हमें रोजगार की आवाज उठानी पड़ेगी, बेरोजगार के लिए उठानी पड़ेगी, और रोजगार की आवाज उठाना ये हम सबका दायित्व इसलिए बनता है क्योंकि जो बेरोजगार है वो हताश है, परेशान है, त्रस्त है, जो माता है, जो बुजुर्ग है, जो घर में बैठा हुआ है, एक बेरोजगार है, वो आज परेशानी से जूझ रहा है और उसके माता पिता भाई बहन उसको परेशान देख के, उसको इस तरह से हताश देख के, बहुत उनकी जो माली हालत है घर की वो भी खराब है, और कहीं ना कहीं हम सबको इकट्ठे मिलके पूरी सोसाइटी को इसकी आवाज उठानी पड़ेगी। इस एजेंडा को लेके रोजगार संघर्ष यात्रा का गठन हुआ और रोजगार संघर्ष यात्रा का मुझे कन्वीनर बनाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का, या आप लोगों ने भी यहाँ पे आने का कष्ट उठाया और जितने प्रेस बंधु है तो यहाँ आए हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे डाटा के साथ, आप लोग उसको विशेषकर हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज बता पाए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये सारा डाटा जो है ये प्रत्यक्ष है, ये ऑनलाइन है और आप लोग ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो स्टार्टअप फंड है। कांग्रेस पार्टी रोजगार यात्रा लेके जा रही है, लोगों के पास लेके जा रही है, लोगों को समर्पित कर रही है, बेरोजगारों को समर्पित कर रही है। इसके पीछे कांग्रेस पार्टी क्या सोच रखती है युवाओं के लिए और क्या सोच रखती है युवाओं को देने के लिए, 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पर। इसका मतलब है 10 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा क्षेत्र, 10 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा क्षेत्र को सीधा बेरोजगार को दिया जाएगा 0% ब्याज पर। अब इससे क्या होगा, 10 करोड़ रुपया अगर बेरोजगार को दिया जाएगा, अगर एक बेरोजगार 1,00,000 रुपए लेता है, इसको मैं बड़े सरल ढंग से आपको बताना चाहूंगा ताकि सारी जनता को आप लोग पहुंचा सके कि 10 करोड़ रुपया विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार को देने का क्या मतलब। अगर बेरोजगार को 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा और वो बेरोजगार, अगर एक बेरोजगार को 1,00,000 रुपए दिया जाएगा तो वो 1,00,000 रुपए से अपना काम कर सकता है। कोई छोटा काम अपने MSME, जो छोटा काम होता है, जो बिल्कुल कोई का अपना लिफाफे बनाने का हो गया, कोई पेंचर लगाने की दुकान होगी, छोटे छोटे काम खोल के 1,00,000 रुपए में वो अपना 0% ब्याज पे, जो उसको मुफ्त में दिया जाएगा काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा।
वो सिर्फ अपने लिए इम्प्लॉयमेंट, सिर्फ अपने लिए इम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करेगा, वो लोगों के लिए भी इम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो जो बेरोजगार होगा वो कहीं ना कहीं अपने लिए तो इम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा ही, पर बेरोजगारों के लिए अपने साथ वो लोगों को भी रोजगार दे पाएगा। अगर एक कोई आदमी लिफाफे बनाने की छोटी सी मशीन लगाता है तो वो मशीन उसकी लाख रुपए से कम में आती है, और वो पेपर के लिफाफे बनाता है तो अपने साथ दो लोगों को और इम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये एक ऐसी गारंटी है जिससे एक आदमी जो कि अनएम्प्लॉयड होगा वो लोगों को आगे इम्प्लॉयमेंट देगा, सिर्फ खुद को रोजगार नहीं देगा, एक आदमी दो दो तीन और तीन तीन लोगों को रोजगार देगा। इसके अलावा जैसे अगर कोई दुकान खोलता है चाय की, तो चाय की दुकान में ही वो रोजगार लोगों को देता है। अगर वो दुकान खोलता है किसी भी चीज की, ड्राई क्लीन की, लॉन्ड्री की, तो लॉन्ड्री की दुकान मशीन लगाएगा और अपने साथ दो लोगों को तीन लोगों को और रोजगार देगा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि एक फंड देके आप एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हो कि एक अनएम्प्लॉयड खुद एम्प्लॉय बन जाए, खुद ओनर बन जाएगा किसी चीज का और आगे एम्प्लॉयमेंट भी देगा। अब इसको करना कैसे है, क्योंकि इसके पीछे काफी बड़ी सोच लगेगी, और सोच क्या है, सोच है कि लोगों को बताया कैसे जाए। उसके लिए जिस तरह राजस्थान की सरकार ने एक टेक्नो फंड बनाया, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयड के लिए एक फंड बनाया गया और फंड अनएम्प्लॉयड को, बेरोजगारों को दिया गया। उसके तहत जो टेक्नो फंड है उसके तहत जो बेरोजगार है उनको ट्रेंड भी किया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। वो एजुकेशन देने का प्रावधान, उनको ट्रेंड करने का प्रावधान, ऐसा एक सिस्टम बनेगा जिससे एक पूरा फंड, एक पूरा मैनेजमेंट प्रोग्राम हो जिससे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस काम में ये पैसा लगाए और किस काम में ये पैसा लगे और किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट खुद की भी ले और लोगों को भी आगे एम्प्लॉयमेंट दे। तो पहली चीज तो हो गई एक 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 10-10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र को। अगर 1,00,000 रुपए लेता है तो हजारों लोगों को रोजगार अपने आप, और उसके साथ वो जो बेरोजगार है वो आगे हजारों लोगों को रोजगार देगा। तो इस तहत बहुत से लोग रोजगार लग सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी गारंटी अनएम्प्लॉयड के लिए लेके आई है कांग्रेस पार्टी, 5 लाख लोगों को और 5 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार दिया जाएगा। 5 लाख लोगों को 5 साल में, और इसका डाटा निकाला जाएगा, बकायदा डाटा पेश किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जब जो कहा है वो किया है, जब भी जो कहा वो किया, और कहीं ना कहीं एक सोच रही कि हमें पॉजिटिव करना है, करके आगे आपको लोगों को समर्पित करना है। 5 लाख लोगों को 5 साल के अंदर रोजगार की गारंटी कांग्रेस पार्टी लेके आई। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ डाटा देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो रिक्त पद पड़े हैं, जितने भी खाली पद पड़े हैं, हजारों खाली पद ऐसे हैं जिनकी सारी क्लियरेंस हो चुकी है, और उन रिक्त पदों को भरने का जिम्मा जो है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो जिम्मेवारी ली गई है। ये भाजपा का मैनिफेस्टो है, और बीजेपी का पिछला 2017 का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर जो रोजगार की जो गारंटी थी उसका पहली चीज जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी कि सभी रिक्त पदों को भरा जाए। ये सारे रिक्त पद जो थे आज भी खाली पड़े हैं। आप अपने आप जाइए ऑफिस में और पता कीजिए कि हजारों रिक्त पद जो है वो खाली पड़े हैं, और बीजेपी की सरकार ने अपना पहला वायदा जो 2017 में किया था वो नहीं निभाया। तो जिस सरकार ने अपना पहला वायदा नहीं निभाया उस सरकार से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपना कौन सा और वायदा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें जो 5 लाख लोगों को रोजगार देना है उसके अंदर सबसे पहले वो पद भरने हैं जिन पदों के अंदर सारे लोग जो लगे हुए थे, जो पद खाली पड़े थे उनके अंदर लोगों को लगाया जाए। उसके अलावा मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है
वो किस कदर इंक्रीज हुई है। जो सेंट्रल मॉनिटरिंग, जो इंडियन इकोनॉमी जो है CMII सेंट्रली जो मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी को, उसका डाटा मैं आपके आगे पेश कर रहा हूं। उसका डाटा कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट हैज इंक्रीज टू 16.8% इन 2020 में 16.8% ये रेट इंक्रीज हुई एज कंपेयर्ड टू 3.2% इन 2016 जब सरकार कांग्रेस की थी, तो ये रेट जो थी वो ये 3.2% था। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंट्रल जो CMII है जो सेंट्रली मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी को, जो सबसे बड़ा यंत्र है इसको मॉनिटर करने का और सबसे बड़ा ऑफिस है इसको मॉनिटर करने का, वो ये चीज कहती है कि 2020 में 16.8% हो गई और ये 2016 में 3.2%। आज का डाटा मैं आपको बताता हूँ, 2022 में ये 12.1% है। इसका मतलब है कि 2016 से ये 5 गुना बढ़ के, 5 गुना, 5 साल में 5 गुना ये बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो नेशनल एवरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जो नेशनल एवरेज है वो 7.6% है, 7.6%। और हिमाचल की एवरेज जो है आज की डेट में जब हम यहाँ बैठे हैं ये 12.1% है। तो मतलब हम डबल हैं नेशनल एवरेज से, ये बहुत बड़ी चीज है। अब इसको कैसे निपटा जाएगा, सारे रिक्त पदों को भरा जाएगा, जो MSME है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट किया जाएगा, उनकी जो प्राइमरी होता है रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का उत्पादन होता है उसको आगे बूस्ट किया जाएगा, जो सेकेंडरी है मतलब रॉ मटेरियल को आपने जब बना देना है, आपने रॉ मटेरियल लिया उसको बनाया उसके ऊपर काम किया जाएगा, और आगे उसको बेचना कैसे है उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसका मैं आपको डाटा पेश करूँ। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डाटा द सेकेंडरी सेक्टर करेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स 39.66% टू द स्टेट इकोनॉमी। तकरीबन 40% की कॉन्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी, मतलब जब उत्पाद रॉ मटेरियल का उत्पाद हो गया और जब रॉ मटेरियल बन गया तो उसके उत्पाद के लिए 40% तो 39.66% ये स्टेट की इकोनॉमी में करता है कॉन्ट्रीब्यूट। 93% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, मतलब 93% की इम्प्लॉयमेंट जो है, 100 में से 93% की इम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जनरेशन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उससे हिमाचल में होती है। द स्टेट जनरेट्स प्रोडक्ट विद एन एनुअल एक्सपोर्ट वर्थ ₹10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का स्टेट जो है 60 देशों को 10,000 करोड़ का वो प्रोडक्ट जो है वो बेचता है। इन तीनों चीजों को बढ़ाया जाएगा, उत्पाद को बढ़ाया जाएगा क्योंकि इम्प्लॉयमेंट होगी, आप पैसा देंगे वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद आगे जाएगा, आगे जाके बिकेगा, और जब बिकेगा तो फिर वो आगे जाके आप उसको आगे बाहर के देशों में जो 60 देश है उनको आप बढ़ा पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो ये जो एक प्लान है ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा ही रोबस्ट प्लान है, बहुत ही बड़ा प्लान है और इसके ऊपर काम किया गया है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी की कोई भी चीज को उठा लो, आप मनरेगा को उठा लो, जब मनरेगा आई थी तो इन्होंने काफी प्लान लेके आए पर मनरेगा चलेगी नहीं, और आज आप देख लीजिए कि मनरेगा ने पूरे देश को उठा लिया। वैसे ही बहुत सी चीजें जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है अलग अलग जगह में, जो चीजों का जो आपने लोगों को सोसाइटी को कोई चीज लाके दी, अगर आप विकास की कोई भी इबारत देखेंगे प्रदेश के अंदर भी देखेंगे किसी भी जगह पे देखेंगे उसके अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और बीजेपी का सिर्फ ये काम रहा कि हमने कहना है पर करके कुछ नहीं दिखाना है, कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पहचानता है
और हमारे प्रदेश का हर एक नागरिक पहचानता है और हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी मानते हैं कि हम इस बात को लेकर लोगों तक जाएं। अब इसके बाद जो तीसरी बात है, हम अग्निपथ जो योजना, अग्निपथ योजना के अंदर हमारे यहाँ के प्रदेश के लाखों बच्चे आर्मी के अंदर जाने के लिए, आज आप देखिए जितने मार्टर, उसमें अधिकतर जो संख्या है वो हिमाचलियों की रही, और हिमाचलियों की संख्या इसलिए रही क्योंकि हिमाचली जो है वो देश के लिए लड़ना चाहता है, देश के लिए समर्पण और देश की सेवा भाव हर हिमाचली के दिल के अंदर है, और ये सेवा भाव, ये समर्पण को लेके हर हिमाचली अपना जीवन जीता है। आज जो फौज में जाने वाले हमारे बच्चे हैं, वो लोग, उनके परिवार आज परेशान है, हताश है, और अग्निपथ योजना को जिसके अंदर इन्होंने किस तरह से उनका शोषण करने की कोशिश की, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन सारे शूरवीरों के लिए, उनके बच्चों के लिए और जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी समर्पित है, उनका साथ देती है, उनके साथ खड़ी है। प्रदेश के अंदर जिस कदर नशा फैला है और अलग अलग जगह पे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह विधायकों ने माना कि हमारे प्रदेश के अंदर हमारे 5 साल के कार्यकाल में नशा बहुत ज्यादा फैला है, आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस करते होंगे कि हमारे बच्चे जो है नशे की चपेट में जा रहे हैं। अगर इम्प्लॉयमेंट होगी तो नशा कम होगा, उनका दिमाग काम करने में लगेगा। इसी चीज को लेके एक एम्प्लॉयमेंट का प्लान बनाया गया और रोजगार संघर्ष यात्रा जो कि हमारी कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ा प्लान है, एक बहुत बड़ी योजना है बेरोजगारों के लिए, रोजगार देने के लिए, और श्री राहुल गांधी जी जो हमारे नेता जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, लोगों की आवाज उठाते हुए, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए, रोजगार के लिए आवाज उठाते हुए, बेरोजगार के साथ खड़े होकर ये जो चीज लेके चले हैं, उसके साथ हिमाचल का एक बच्चा, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है, और आज आप सबके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये कुछ दिन बच गए, इनका जाना तय है, इनका जाना इसलिए तय है क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है एक ऐसी सरकार को बाहर भेजने का, जिस सरकार ने लोगों को ठगा, जिसने झूठ बोला, जिसने जुमले दिए, जिसने गप्पे मारी, जिन्होंने झूठा मैनिफेस्टो दिखाया और मैनिफेस्टो के अंदर जो बातें कही वो सभी झूठी थी। आज हम कागज लेके आए हैं ताकि आपको पता लग सके कि भाजपा की सरकार ने सिर्फ झूठ बोला और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। इसके साथ मैं एक आखिरी चीज आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस कार्यकर्ता को एक चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए और महसूस भी होनी चाहिए कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल मजबूती से और बिल्कुल सदृढ़ता से खड़ा है और कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को एक और चीज महसूस होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का नारा काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, इस नारे को लेके कांग्रेस पार्टी आगे चलती है और कहीं ना कहीं इस नारे पे उनका यकीन है। एक चीज और आपको आखिरी में कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये जो दिन थोड़े से बचे हैं इसके अंदर हम लोगों को संयम बरतना है, हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ चलना है, हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। कहीं ना कहीं जो कुछ महीने पहले चुनाव हुए जिसमें 4 सीटों पे चुनाव हुआ और 4 सीटों के अंदर कांग्रेस विजय हुई, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जब भी बाई इलेक्शन होता था तो हमेशा जो सत्तासीन सरकार होती थी, जिसकी सत्ता होती थी, उसी को बाई इलेक्शन में सीटें मिलती थी, पर इस बार पहली बार हुआ कि सत्ता में भाजपा थी और सीटें सारी कांग्रेस की आई। तो ये ट्रेन जो है, ये जो रेलगाड़ी है, ये निकल चुकी है कांग्रेस पार्टी। अब इस ट्रेन में जो सवार होगा वो आगे निकल जाएगा और जो रह जाएगा वो पीछे छूट जाएगा। तो सभी लोगों को ये आगे की पॉजिटिव सोच रखनी है, आगे बढ़ना है, कांग्रेस के कार्यकर्ता को घर से बाहर निकलना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने रोजगार संघर्ष यात्रा से अपने जो बाहर निकल के रात दिन इसकी सेवा की। मैं एक चीज और याद करना चाहूंगा, विकास पुरुष श्री जी एस बाली जी, जिन्होंने 2012 में अपनी यात्रा निकाली थी,
और जिस यात्रा को पूरे प्रदेश के अंदर रात दिन समर्थन मिला, और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार के अंदर जो मैनिफेस्टो में वायदे किए गए थे उसमें पहला वायदा था कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, और कांग्रेस की 2012 की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया। उसके बाद जो दूसरा वायदा, श्री जी एस बाली जी उस मैनिफेस्टो कमेटी के कन्वीनर भी थे, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारी नेता ने, हमारी अध्यक्ष ने उनको कन्वीनर बनाया था। उस मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर उन्होंने डाला, उन्होंने उस मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर सभी मैनिफेस्टो के सदस्यों को इस चीज के लिए राजी किया, और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस चीज को डलवाया कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये क्यों दिया गया था, ताकि एक बेरोजगार जो है वो पढ़ाई कर सके। अगर उसने कोई पेपर टेस्ट देना है तो पेपर टेस्ट देने के लिए वो अपनी गाड़ी उठाए या बस की टिकट ले, रेल की टिकट दे, एरोप्लेन की टिकट ले और जाके पेपर दे सके, कोचिंग ले सके। और आज बेरोजगारी भत्ता उस समय का कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ, हर किसी ने उसका लाभ उठाया। आज भी वो टर्न बाय टर्न, पैकेज बाय पैकेज बेरोजगारों को मिलता है, और बेरोजगारी भत्ते का जो समर्पण और अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर कहा था वो कांग्रेस ने किया। और आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे, 5 लाख नौकरियां, 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी रात दिन प्रयत्न करके एक ऐसा सिस्टम बना के जिससे लोगों को ये चीज समर्पित हो सके, ऐसा करके दिखाएगी।